हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? दिस प्रीति फ्रॉम माय हॉट चॉकलेट। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। आज मैं आप लोग के लिए विंटर स्किन केयर एंड मेकअप लेके आई हूँ कि विंटर में आपको किस टाइप का मेकअप करना चाहिए, स्किन केयर करना चाहिए, जिससे कि आपका मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग रहे। सबसे पहले तो हम लोग करेंगे स्किन केयर, फॉर विच यू शुड ऑलवेज वॉश योर फेस। उसके बाद मैंने यहाँ पे हाइड्रेटिंग टोनर यूज़ किया है। दिस इज़ एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग टोनर। ये मैंने कोलकाता के स्टोर से ख़रीदा था, मोमोसो से। बट दिस रियली हाइड्रेट्स माई स्किन। लेट इट सिट ऑन योर स्किन। जब बैठ जाएगा उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे अपना मॉइस्चराइज़र। अभी जो सुपर ड्राई स्किन है, यूज़ अ थिक मॉइस्चराइज़र। और मौसम चेंज होने की वजह से अगर आपका स्किन ज़्यादा ड्राई आउट हो रहा है, आई ऑलवेज सजेस्ट यूज़ अ क्रीम मॉइस्चराइज़र और थोड़ा सा थिक मॉइस्चराइज़र यूज़ करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपका जो स्किन है मॉइस्चराइज रहे, अच्छे से हाइड्रेटेड रहे। और जब आप मेकअप करो तो आपको वो फटाफटापन, इचीनेस, ड्राइनेस आपके स्किन में ना आए। तो आप सिंपल का यूज़ कर सकते हो जिसमें SPF है, या तो आप बायोडर्मा भी ट्राई कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो यूज़ सेटाफेल। ये सब लाइक मेरे फेवरेट है। वंस मॉइस्चराइज़र आप लगा लोगे उसके बाद हमें यूज़ करना है जस्ट हल्का सा फेशियल ऑयल। द वन विच आई एम यूजिंग इज़ बाय लव अर्थ। दिस इज़ द 24K गोल्ड ग्लास फेस ऑयल। ये मेरा फेवरेट है गाइस, इतना अच्छा काम करता है। आपको 3 to 4 ड्रॉप्स लेना है अपने पाम में, उसको अच्छे से ब्लेंड करना है, वार्म करना है, एंड देन जस्ट अप्लाई इट ऑन योर स्किन। गाइस, इस समय पे आई वुड सजेस्ट सिरम अवॉइड करके आप इस टाइप के फेशियल ऑयल्स पे इन्वेस्ट करिए और यूज़ करिए, ताकि जब आप मेकअप करो तो आपको वो फटापन, इचीनेस, ड्राइनेस आपके स्किन में ना आए। ये वन ऑफ माई फेवरेट है। रेंज भी काफ़ी अच्छा है। मैं प्रोडक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपके पास ये नहीं है कोई बात नहीं, आप बेबी ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। जस्ट 2 ड्रॉप बेबी ऑयल का लेके लगा लीजिएगा। बट जब आप इसको लगाओगे फेस अच्छे से मसाज कर लीजिएगा। मसाज करके लेट इट सेट। आप चाहे तो इसको रात में भी यूज़ कर सकते हो, सोने से पहले। बहुत अच्छा काम करता है। गाइज, मैं आपको एक की बताती हूँ मेकअप का। जब आपका स्किन हाइड्रेटेड रहेगा, मॉइस्चराइज रहेगा ना, आपको मेकअप प्रोडक्ट ज़्यादा लगाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें अपने स्किन को पहले प्रेप कर लेना चाहिए अच्छे से, फिर मेकअप करना चाहिए। नेक्स्ट अप मैंने यूज़ किया अपना लिप बाम। दिस इज़ बाय नायका। दिस इज़ नॉट माय फेवरेट, और क्योंकि मैंने ख़रीदा तो मैं यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो यूज़ करो। अगर आप कोई पार्टी फंक्शंस में जा रहे हो आप प्राइमर यूज़ कीजिएगा। यू कैन यूज़ मेबलिन, यू कैन यूज़ लैक्मे। बट अगर आप डेली मेकअप कर रहे हो तो प्राइमर आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट अप हम लोग को यूज़ करना है अपना फाउंडेशन। नाउ गाइज, जब आप फाउंडेशन यूज़ करो इस पर्टिकुलर मौसम में, ट्राई टू यूज़ लिक्विड फाउंडेशंस जो कि ज़्यादा मैटिफाइंग ना हो, स्किन को ड्राई आउट ना करे। अगर आपको चेक करना, आप हल्का सा जस्ट नेक के पास लगा लीजिएगा। अगर वो एरिया ड्राई हो गया मतलब वो फाउंडेशन आपके स्किन को ड्राई करेगा। तो अवॉइड दैट टाइप ऑफ फाउंडेशन। यूज़ वेरी लेस अमाउंट, कम से कम प्रोडक्ट यूज़ करो और अच्छे से ब्लेंड करो। आप देखोगे मेकअप आप जो भी लगा रहे हो एकदम फ्लॉलेस, नेचुरल और ब्यूटिफुली ब्लेंड होके अच्छा दिखेगा। अगर आपका स्किन सुपर ड्राई है, ट्राई यूजिंग क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स। आप क्रीम फाउंडेशंस अपने स्किन में लगा सकते हो। मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होता है, बिकॉज थोड़ा ऑयली, कॉम्बिनेशन सेंसिटिव टाइप का है। तो मेरे को जैसे लैक्मे का, मेबलिन का, के ब्यूटी, लॉरियल, ये सब फाउंडेशन चल जाता है विंटर सीजन में। तो आप स्किन टाइप के हिसाब से अपना फाउंडेशन पिक कर लीजिए। नेक्स्ट अप हमें यूज़ करना है अपना क्रीम ब्लश, फॉर विच यू कैन ट्राई लिप टिंट, चिक टिंट। ब्लू हेवन का इस टाइप का ब्लशेज आ गया है, लव अर्थ का है, जस्ट हर्ब्स का है। आप ना इंस्टेड ऑफ यूजिंग पाउडर प्रोडक्ट्स आप इस टाइप का लिप टिंट या चिक टिंट अपने फेस में लगा लीजिए एंड ब्लेंड इट विद योर ब्यूटी ब्लेंडर। फाउंडेशन लगाने के बाद ही आप ये स्टेप कर सकते हो। मतलब कंसीलर इज़ ऑप्शनल। अगर आपको फाउंडेशन नहीं लगाना आप कंसीलर लगा सकते हो, वो आपका मर्जी। और अगर आपको कंसीलर नहीं लगाना आप फाउंडेशन लगा लो। विंटर सीजन में खासकर आप फाउंडेशन और कंसीलर तभी लगाइएगा जब आप पार्टी फंक्शंस वगैरह में जा रहे हो, जब आपको लगे कि या इट इज़ नेसेसरी टू अप्लाई हाईलाइट वगैरह, तभी लगाइएगा। नहीं तो आप एक ही चीज़ लगा के मेकअप कर सकते हो। बहुत लोग बोल रहे थे लिप टिंट लगाने के बाद, चिक टिंट लगाने के बाद बहुत जल्दी उड़ जाता है। तो मैं आज आपको टिप बताती हूँ कैसे आप उसको लॉन्ग लास्टिंग रख सकते हो। जब भी आप अपना चिक टिंट लगाओगे उसके बाद आप अपना पाउडर प्रोडक्ट लीजिएगा, उसमें से सेम शेड का आप कलर पिक करिएगा एंड अप्लाई इट ऑन योर चिक टिंट। गाइस ट्रस्ट मी, सारा दिन आपके चीक्स में ये ब्लश पड़ा रहेगा। उसके बाद हमें यूज़ करना है अपना लूज पाउडर या बनाना पाउडर। विंटर सीजन में तो यार गाइस बनाना पाउडर, लूज पाउडर बहुत अच्छा काम करता है, ड्राई भी नहीं करता है स्किन, कॉम्पैक्ट ज़्यादा ड्राई आउट कर देता है विंटर सीजन में। इट्स बेटर आप बनाना पाउडर्स यूज़ करो। मेबलिन का है, मेकअप रेवोल्यूशन का है, शुगर का है, देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स अवेलेबल। आप अपने स्किन के हिसाब से लूज पाउडर पिक करके यूज़ कर सकते हो एंड देन जस्ट सेट योर फाउंडेशन। फॉर आई मेकअप मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का पैलेट यूज़ किया एंड आई हैव यूज मोस्ट ऑफ द ब्राउन शेड्स और मैंने एक शिमर शेड यूज़ किया है। ब्यूटिफुल सा आई मेकअप क्रिएट किया मैंने यहाँ पे। आपको पहले क्या करना है, छोटे ब्लेंडिंग ब्रश में एक डार्क ब्राउन शेड ले लीजिएगा और उसको जस्ट लिड में आपको लगाना है, ऊपर की तरफ नहीं जाना है। दिस आई मेकअप आई गॉट इंस्पायर्ड, मैंने अभी हाल फिलहाल इंस्टाग्राम में राकुल प्रीत को देखा था, यू नो ब्राउन टाइप का आई किया था, बहुत अच्छा लग रहा था और यू नो आईज़ भी एकदम नेचुरल लग रहा था, सॉफ्ट लग रहा था और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा उस टाइप का क्रिएट किया। डार्क ब्राउन शेड को जब आप लगा लोगे लिड पे, आपको लाइट ब्राउन शेड लेना है एंड देन जस्ट अप्लाई इट ऑन योर क्रीज एरिया और हल्का सा उसको ब्लेंड कर लीजिएगा। क्या होता है जब आप ब्लेंड करते हो एक शेड लगा के, तो जो डार्क शेड आपने लिड पे लगाया वो कभी कभी लाइट हो जाता है, कोई इशू नहीं है, आप फिर से प्रोडक्ट पिक करो और लगा लो। विंटर में खासकर ये जो ब्राउन आई मेकअप होता है ना गाइज, ये तो इतना सुंदर और खूबसूरत लगता है, मैं आपको क्या बताऊं। फिर मैंने क्या किया, सेम डार्क ब्राउन शेड को पिक किया है और अपने लिड पे एक बार और उसको लगा दिया। फिर मैंने सेम शेड से अपने लोअर आईलिड के पास अपना कलर लगा लिया है। इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग काजल, आप ऐसा यू नो आई शेडो लगा लो और हल्का सा उसको ब्लेंड कर लो। आपको आँख भारी भारी भी नहीं लगेगा और यू नो अच्छा भी लगेगा, नेचुरल टाइप का, और लगेगा हाँ कुछ लगाया है। फिर मैंने शिमर शेड लिया है और इसको जस्ट इनर कॉर्नर्स में लगा लिया। दिस वाज मेरा आइडिया था, मैंने हल्का सा शिमर शेड लगा लिया क्योंकि अच्छा लग रहा था। फिर मैंने अपने लैशेस को कर्ल कर लिया है। आई अप्लाइड माई मस्कारा। मस्कारा तो ज़रूर लगाइएगा, अगर फेक लैशेज इज़ ऑप्शनल। देखो डेली में तो कोई फेक लैशेज नहीं लगा पाता है, इट्स ओनली ऑन ओकेजन्स या फंक्शंस या इवेंट वगैरह होते हैं। तो आप कोई भी अच्छा मस्कारा जो आपको लगे वॉल्यूम देता है आपके लैशेस को, वो लगा लीजिएगा। ब्राउ को आप पहले ग्रूम कर लो। ग्रूम करने के बाद पिक एनी ऑफ योर ब्राउ जेल और उसको लगा लो। आपको यू नो अलग से पाउडर प्रोडक्ट्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप ब्राउ जेल को ही लगा लोगे ना। अभी तो बुशी बुशी काफ़ी इन है, तो आपका आई मेकअप आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल और नेचुरल, अट्रैक्टिव और अच्छा दिख रहा है। उसके बाद मैंने यूज़ किया है डायरेक्टली अपना लिपस्टिक। मैंने पहले एक यू नो मैट लिपस्टिक लगाया है लव अर्थ का, उसके ऊपर मैंने टॉप किया है ब्लू हेवन का लिप ग्लॉस। दिस इज़ आई बिन लविंग और मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। सारा प्रोडक्ट डिटेल जैसे मैंने आपको बताया सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप चेकआउट कर लीजिएगा। लास्ट में नो ब्रॉन्जिंग नो हाईलाइटिंग, जस्ट पिकअप योर सेटिंग स्प्रे या मेकअप फिक्सर और पूरे फेस में लगा लो। ऑटोमेटिकली वो नेचुरल हाईलाइट आ जाएगा आपके स्किन में, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। गाइज विंटर सीजन में जस्ट अ बिगिनर, टीनेजर ज़्यादा मेकअप नहीं करना है, ट्राई दिस वन आउट। उसके बाद आप अपना एसेसरीज पहन लो। मैंने अपना यू नो इयरिंग्स डाल लिया, नेक पीस पहन लिया एंड दैट वाज ऑल फॉर द मेकअप। आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। गाइज अगर आप ये मेकअप लुक ट्राई करोगे, डू टैग मी ऑन इंस्टाग्राम और मुझे कमेंट में बताइएगा कैसा लगा ये लुक। सारा प्रोडक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल्सो गाइज यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वहाँ मैं रील्स बहुत सारे डालती हूँ जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय।